भोजनमस्ते परमस्वादिचरण कमल चरण पर भक्तजन मन श्रीवासाय श्रीरामचंद्राय राजिंसाय श्रदने लक्ष्मीयक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् पद्मसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादी नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंद के अष्टादश अध्याय में श्री भगवान वाराह का हिरण्याक्ष के साथ भयंकर युद्ध हो रहा है। भगवान की इस युद्ध लीला का दर्शन करने के लिए हजारों ऋषि मुनि देवता ब्रह्मा जी के साथ आ गए और भगवान की युद्ध लीला का दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते हिरण्याक्ष की युद्ध लीला को देख करके बड़े सशंकित हो गए और इसलिए चिंतित होकर के ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करने लगे। इक्कीस तक हुआ था ना ब्रह्मोवाच। एषते देव देवानाम् अङ्घ्रिमूलमुपेयुषाम् विप्राणाम् सौरभेयीनाम् भूतानामत्यनादशाम् श्री ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हुए यह निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस वैश्य से क्रीड़ा न करें, ये खतरनाक है। बड़े घबरा करके कह रहे हैं, उसकी उद्दंडता का परिचय दे रहे हैं। हे देव संबोधन है, हे भगवान, हे देव, यह दैत्य हिरण्याक्ष के अंग मूल मुटे युगाम आपके चरण के मूल मूल शरण में आने वाले हैं। ऐसे कौन कौन देवानाम देवता विप्राणाम ब्राह्मण और सौधेय नाम गौए देवता ब्राह्मण और गऊ ये तीनों भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाले। ब्रह्मा जी इस बात को जानते हैं कि भगवान इन तीनों को बहुत चाहते हैं। आइए भगवान तो इन्हीं के लिए अवतार ही लेते हैं। विश्व भेद सुर संत हित नीर मनुजे अवतार, तो इसलिए भगवान को अत्यंत भावुकता की ओर ले जाने के लिए ब्रह्मा जी उनका उल्लेख कर रहे हैं कि भगवान आपके चरणों का आश्रय लेने वाले देवगण ब्राह्मण और गौए तीन तो ये जिनको आप बहुत चाहते हैं वे तो हैं ही, इसके अलावा भूतानाम अत्यनादशाम निरपराध प्राणी मात्र निरपराध प्राणी चाहे कोई भी वर्ण के हो जाति के हो सबको पीड़ा पहुंचा रहा है। क्या कर रहा है? आदर्शकृत
भारत देश तरफ अस्मद्राध भरोस हो रहा। ये ऊपर कहे गए चारों को आदर्श कृत उनके प्रति पाप पूर्ण व्यवहार करने वाला है, और जब इसके पाप पूर्ण व्यवहार का ये लोग विरोध करते हैं तो उनको भयभीत करता है भय कर, भय कर्म है। और वो भयभीत करने के बाद भी अगर वे बस में नहीं होते तो दुष्कृत उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, धन संपत्ति हड़प लेता है, छीन लेता है, तीन तीन काम करता है, तीनों प्रकार के कृत्य इसके पीड़ा कर होते हैं। और अपनी अपनी बात जगह अस्मद्राध भरोस हो रहा है भगवान इसको मुझसे ही भूल हुई है, मुझसे इसने बर पा लिया है, इसलिए मेरा बर पा करके और भी अहंकारी हो गया है असूर्या। अन्वेषण न प्रतिरथ हो तो कोई जिज्ञासा करे कि अरे कितना भी हो कोई इसका मुकाबला करने वाला नहीं है। कहते हैं कि भगवान या तो ढूंढता फिरता है कोई मेरा मुकाबला करे, किंतु कोई भी आज तक इसके सामने नहीं आया। अप्रतिरथ अप्रद्वंदी लोकायतिक कंटक, यह सारे लोगों का कंटक है, कांटा है, और चारों ओर घूमता फिरता रहता है, उपद्रव करता ही रहता है। ठीक है, हे देव ते अंग मूलम प्राप्त नाम, आपके चरणों के मूलों मूल को जिन्होंने प्राप्त किया है ऐसे कौन देवादि नाम, देवता ब्राह्मण और गौए, ऐसा आसुर है। तो इसकी टीका आगस्कृत वृथैया पराधारोपक, व्यर्थ में अपराध का आरोप करता, अच्छा तुमने ऐसा किया है, किया कुछ नहीं है लेकिन व्यर्थ में अपराध का आरोप करके है विरोधी हो जाता। तत्परिहाराय प्रवृत्त भयकृत, अगर कोई उससे परिहार के लिए प्रवृत्त होता है तो भयभीत करता है, और भीतम ज्ञात्वा भयभीत जब देख लेता है तो दुष्कृत दुर्व्यवहार करता है। दुर्व्यवहार करना क्या है, अर्थ प्राणादि हरता, उसका धन हरण कर लेता है, प्राण ले लेता है, इस तरह के यह कृत्य करने वाला है। अस्मत्तो राधो लभो वरोयेन, इसने मुझसे वरदान प्राप्त कर लिया है, मूल से मैंने दे दिया, और यह अन्वेषण प्रतिरथम अनवलोकन है ना, अवलोकन अच्छा अपने समान योद्धा ढूंढता फिरता है किंतु कोई इसके सामने नहीं आता। अप्रतिरथ प्रतिपक्ष शून्य, आज तक कोई इसके मुकाबले में आया ही नहीं। इस तरह से ब्रह्मा जी ने भगवान के समक्ष उसकी दुर्गमनीयता का वर्णन किया, भक्तों के प्रति अपराध का और दुर्गमनीय है यह दो बात। फिर कहते हैं मैलम मायाविलम वृत्तम निरंकुहम अहोत्तमम, हे भगवान एनम इस मायावी राक्षस को असुर को जो व्रत बड़ा अहंकारी हो गया है, निरंकुश है, असत्तमम अत्यंत निकृष्ट आचरण वाला है, ऐसा है यह, हे देव बालवत माँ क्रीडो, आप बालक की तरह इसके साथ खेल न करें,
यदासी विसमुत्थितम, जैसे कोई बालक विषैला सर्प को छेड़ देता है और वह फिर ऊपर करके खड़ा हो जाता है और बालक खेल खेल में उसकी पूंछ पकड़ करके खींचने लगता है, खेल करता है बालक। इस तरह से आप इस मायावी व्रत निरंकुश नीच असुर के साथ खेल रख लीजिए, खतरनाक है यह। टीका, यद्यस्माद् एवं भूतो अयम तस्माद् एनम मा क्रीड, क्योंकि यह ऐसा है दैत्य असुर, इसलिए इसके साथ आप खेल न करें। मा क्रीड अथवा मा क्रीड अंतरिक्ष का लोप हो गया है। मा क्रीड माने ना खिलाइए। एक बालक एक तो यह है कि खेलता रहता है, उसको भी खिलाता रहता है, तो दोनों तरह का निषेध करते हैं। आप भी खेल मत कीजिए, उसको खिलाइए भी नहीं। क्रीड अंतर्भावित रिच मान कर हे दो यथोत्थितम क्षुभितम आशी विषम सर्पम, जैसे उठ खड़ा हुआ क्षुभित किया गया विषैला विषधर सर्प बालक के सामने, लेकिन बालक क्या करता है, पृच्छाकर्षण बिना क्रीडयति तद्वत, उसकी पूंछ को खींचता है, पकड़ता है, खेलता है अपना। ऐसा आप न करें, इसके साथ खेल न करें। और कहते हैं कि अरे चलो थोड़ी देर खेल हो जाएगा फिर मार डालेंगे। कहते नहीं, नया वजेश वर्धे तो स्वाम धीलाम प्राप्त जाओ। ऐसा असुर, यह असुर है नाक्ष, बड़ा दारू है, दुष्ट है, और अपनी बेला प्राप्त करके सायंकाल वाली इसका बल और बढ़ जाएगा। तो जब तक यह अपनी सायंकालीन आसुरी बेला को प्राप्त करके बल बढ़ा न ले, स्वाम देव माया मास्थायो, हे देव उसके पहले ही अपनी माया का आश्रय लेकर के तावज्जहि अघमच्युतो, हे अच्युत तब तक माने उसके पहले ही इसको मार डालिए। टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है, मतलब ठीक है। स्वाम आसुरी है ना, सायंकाल की बेला आसुरी बेला होने से अपनी बेला असुरों की बेला है। हे देव स्वाम मायाम, हे भगवान आप अपनी माया का आश्रय लीजिए, माने माया शक्ति का आश्रय। अघम पाप रूपम तावज्जहि, पाप रूप इसको मार डालिए। बेला मेवा, अब इस समय का, इस समय नक्षत्र मुहूर्त अच्छा है यह बता रहे हैं। अभी तो ऐसा घोर तमा संध्या लोक छम्बत करी प्रभु, उपसर्पति सर्वात्मन सुराम जय मा वह। देखिए अभी थोड़ा सा समय है, किंतु यह संध्या काल वाली बेला बड़ी घोर तमा है ना, लोक छम्बत करी प्रभु, लोगों को दुख देने वाली है। हे प्रभु उपसर्पति सर्वात्मन, यह आने ही वाली है धीरे धीरे करके। हे भगवान, हे सर्वात्मन सुराणाम जय मा वह, जब तक यह लोग छम्बत करी संध्या की बेला ना आ जाए, उसके पहले ही इसको मार डालिए, देवताओं को विजय दिलाइए। सुराणाम जयम आवह, टीका, वेला मेवा ऐसे लोकानाम छम्बत करी विनाश करी, लोगों का विनाश करने वाली होती है।
छंदत इति अध्ययन विनाशे वर्तते। छंदत अध्यय शब्द विनाशार्थक और अभी उस बेला के पूर्व जो मुहूर्त है वह बता रहे हैं। अब अधुना सो भिजिन्नामो योगो मुहूर्तिको भेवात् शिवाय नस्त्वं सुहृदाभासु निस्तर दुस्तरम। अभिजित नाम का मुहूर्त बड़ी देरी से चल रहा है, इस समय है अभी, लेकिन थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। ऐसा अभिजित नाम मुहूर्त का योग ज्योतिष शास्त्र में अभिजित मुहूर्त की बड़ी व्याख्या की है, कई तरह के तीन प्रकार के मत। यह मुहूर्त चला जा रहा है भिन्न भिन्न आचार्यों के अलग अलग सिद्धांत। यगात माने बीत रहा है, थोड़ा सा अवशिष्ट है। शिवाय नस्तम स्वर्गम हास निस्तर दुस्तरम। हे भगवान, नह स्वर्गम शिवाय, हम आपके सुहृद हैं, प्रेमी भक्त हैं, हम लोगों के देवताओं के कल्याण के लिए आस दुष्टरम निस्तर, जल्दी ही इस दुष्टर दुष्ट को मार करके निस्तार कर दीजिए। अभी थोड़ा सा समय अभिजित नाम के मुहूर्त में बाकी भी है। टीका अभिजित मध्यान्ह, अभिजित के मुहूर्त के संबंध में कई तरह के पक्ष हैं। कोई मध्यान्होत्तर मानते हैं, कोई इसको अन्य समय में भी मानते हैं। सो मुहूर्त को योग आसन, यही अभिजित नाम का मुहूर्त योग अभी पूरा समाप्त नहीं हुआ है, काफी तो बीत गया है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों के योग पर होता है। मुहूर्त शुभद काल आगाध गत प्राय, शुभ देने वाला काल मुहूर्त यह गत प्राय हो गया है, काफी चला गया है, कुछ अंश रह गया है। अतो यावन मुहूर्त शेषोस्ति, इसलिए जब तक अभी मुहूर्त यह बना हुआ है 10-20 मिनट, ताल देव सुस्तरम एनम निस्तर जही, तब तक ही उसके भीतर ही सुदुष्टर इस दुष्ट को मार डालिए, देवताओं का कल्याण कीजिए। इसके बाद पुनः कहते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि भगवान, ये देवताओं के बड़े सौभाग्य की बात है। क्यों? इसलिए दृष्टिया त्वाम विहितम मृत्युम अयम आसादितः स्वयं। कितने सौभाग्य की बात है कि आप ही तो इसकी मृत्यु विहित है अगस्त दैव के द्वारा, और यह मृत्यु स्वरूप आपके पास अपने आप आ गया, कहीं ढूंढने नहीं जाने पड़ा। जैसे मृत्यु के पास मरने वाला खुद पहुंच जाए, ये बड़े सौभाग्य की बात है देवताओं के। इसलिए विक्रम नैनम मृधे हत्वा लोकानाधे शर्मणि, इसलिए इसके साथ युद्ध करके युद्ध में मार डालिए और इस प्रकार से लोगों को शांति प्रदान कीजिए। ठीक है, त्वाम मृत्युम त्वयैव शापानुग्रह काले विहितम निर्मितम। मृत्यु स्वरूप आपके पास ही अपने आप आ गया। क्यों? क्योंकि आपने ही साप के अनुग्रह के समय शनकादिकों के सामने आपने ये कहा था, विहितम निर्मितम, आपने ही इसकी मृत्यु के रूप में विधान किया था, और यह मृत्यु स्वरूप आपके पास अपने आप आ गया। आसादित प्राप्त शर्मण सुखे आधे ही स्थापय, इसको मार करके सारे लोगों को सुख में स्थापित कर दीजिए।
हरि ओम तत्सत् श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कन्धे हिरण्याक्षाध्याय ओम भगवदर्पणमस्तु। आज इसके बाद ऊनमेषे बीजादि प्राथतेन महामृगे वराहिर्हिरण्याक्ष बध श्लाघ्यो निवर्ण्यते। ऊन देश माने 19वें अध्याय ब्रह्मादिकों के द्वारा जिन भगवान की प्रार्थना की गई है, उन भगवान के द्वारा महायुद्ध में बड़ा भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का श्लाघनीय वध वर्णन किया जाए। भगवान के हाथ से किसी की मृत्यु होने बड़ा श्लाघनीय है, इसलिए श्लाघ्य अवर्ण थे। हिरण्याक्ष का वध श्लाघ्य है, प्रशंसनीय है। यह वर्णन आएगा मैत्री वाच अवधारि ब्रिंचस्यो निर्विलीकां मृतं वचः प्रहस्य प्रेम गर्भेरो तलपांगेन सुग्रीत। श्री मैत्रेय जी भगवान की अतिशय मधुर लीला पर प्रकाश डालते हुए कहने लगे कि हे विदुर जी, ब्रह्मा जी की बातें सुन करके भगवान ने क्या किया सुनो। विंचस्य निर्गलिकम अमृतम च बचा अवधारी। ब्रह्मा जी के वचनों को भगवान ने सुना। उनका दो विशेषण है, निर्गलिक छल कपट रहित विशुद्ध हृदय से निकले हुए उद्गार और अमृतमय वचन, दो विशेषण है सुना। और सुन करके भगवान मुस्कुराए, है ना, प्रहस्य प्रेम गर्भेर तदपांगेर सुगृहित, और प्रेम पूर्ण भाव से विह्वल होते हुए, है ना, अपने नेत्र प्रांत अपांग की ओर से देखते हुए मानो भगवान ने उनके वचनों को ग्रहण कर लिया। मुस्कुराए तो मुस्कुराए इसलिए कि देखो अब ये हमको मुहूर्त का उपदेश कर रहे हैं कि भैया मुहूर्त है, इसलिए मुस्कुराए। और किंतु भगवान की महिमा है, उदारता है, कि ठीक है भक्त ही सही अगर उपदेश कर रहा है तो ये नहीं कि उसको डांटें कि अरे ना समझे की बात करना है, नहीं, स्वीकार किया। हाँ ठीक कहते हो, सही कह रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं था इधर, ऐसा कह करके मुस्कुरा करके उनके उपदेश को ग्रहण कर लिया। ठीक है, निर्विलीकम च तदमृतम च। ब्रह्मा जी के वचन निर्विलीक छल कपट रहित निर्मल हृदय और तदमृतम च और अमृतमय वचन थे, पाठांतर निष्कपटाभिप्रायम थे। पाठांतर कहीं है तो निष्कपट के अभिप्राय से कहे गए वचन थे और तदरितम च और यथार्थ थे। तात्पर्य क्या है, भगवान क्यों मुस्कुराए। कालात मनोविमम मुहूर्त बलम उपदेशती, यह जानते हुए कि मैं कालात्मा हूं, ऐसे मुझे भी मुहूर्त के बल का उपदेश कर रहे हैं भोले भाले ब्रह्मा जी, इसलिए प्रहस्य हंस करके अपांगालोकन स्वीकृतवान और टेढ़ी दृष्टि से अपांग दृष्टि से उनकी देख करके मानो स्वीकार कर लिया कि हाँ तुम ठीक कहते हो, अभी इसको मारूंगा। और तब भगवान
युद्ध में संलग्न हो गए। ततः सपत्नम मुखत चरंतम अकुतो भयम् जघानुपत्य गदया हना वसुर मक्षज। भगवान की लीलाओं का यही माधुर्य है, इसीलिए जगह जगह पर है ना कहते हैं वक्ता भगवान सुखदेव जी मैत्रेय जी कि जिनको भगवान के लीला अमृत का रस मिल जाता है एक बार भी वह कभी छोड़ नहीं सकता। वही बात इसके बाद सपत्नम मुखतश्चरंतम अपने शत्रु हिरण्याक्ष को भगवान ने अपने सामने ही घूमते हुए देखा और अभी कैसे आपको तो भयम उसको कोई परवाह ही नहीं है, निर्भय होकर के घूम रहा है भगवान के सामने। तब भगवान ने क्या किया, जघालु पत्य गदया हना वसुर मक्षज। अक्ष भगवान ब्रह्मा के नासा छिद से प्रकट होने वाले भगवान बाराह ने अपनी गदा के द्वारा उछल करके उसके हनु में प्रहार किया है ना, कपोल के नीचे का भाग हनु कहा जाता, प्रहार कर दिया। ठीक है, मुखतः अभिमुखे अपने सामने निर्भय होकर के घूम रहे उस असुर के हनु में प्रहार किया। कपोल से अधो भागे अक्षजो ब्रह्मो घ्राणेन्द्रियादाविर आविर्भूता। ब्रह्मा जी के घ्राण इंद्रिय से वारा भगवान प्रगट हुए थे इसलिए अक्षज कहा जा रहा है। साहता तेन गदया दिहता भगवत करात विभूलता पटद्रे जे तदद्भुत निवा भगवत। मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान ने गदा का प्रहार किया कपोल के नीचे, किंतु हिरण्याक्ष तो कुशल योद्धा था। तेन गदया सा गदा हटा, हिरण्याक्ष ने गदा के द्वारा भगवान की गदा को टकरा दिया, उसकी दिशा ही बदल गई। दिहता भगवत करात भगवान के हाथ से छूट गई। विभूलता पतत रेगे और घूमती हुई है ना दूर जाकर के गिर पड़ी। तदद्भुत निवा भगवत है ना, यह बड़ी अद्भुत सी घटना हो गई। ठीक है, सा स्वगदया तेन हता, भगवान के द्वारा प्रहार की गई गदा को उस दैत्य ने अपनी गदा के प्रहार से रोका और ततो दिहता दिच्युता, उससे ठोकर खा करके वह दिच्युत हो गई। विभूलता घूमती हुई है ना भूत्वा अपतत रेगे जो घूमते घूमते गिर पड़ी और प्रकाशित होने लगी। तद भगवत परात पतनम, यह दृश्य जो हो युद्ध देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि अरे भगवान के हाथ से गदा छूट गई। यद्वा तत्पदस्य आवृत्या रेजे अथवा तत्का जो है उसी गदा का विशेषण है, वह गदा ही प्रकाशित हुई। इत्यनेनापि संबंधः तद्दैत्य पौरुषम रेजे इति, और इस प्रकार से उस दैत्य का पौरुष पुरुषार्थ चमक गया कि भाई यह तो बात वीर है, भगवान के हाथ से गदा ही छूट गई। सा तदा लब्ध तीर्थोपि न बबाधे निरायुधम। देखिये लीला भगवान की, माने अनुसामृे धर्मम विश्वक्सेनम प्रकोपयन। हिरण्याक्ष चाहता तो इस समय भगवान पर प्रहार कर देता, मौका मिल गया, भगवान के हाथ से गदा छूट गई था, किंतु
मैत्रेय जी कहते हैं कि देखिए उसकी बात, तदा सह लब्धति फोति, भगवान की गदा छूट जाने के बाद उसको अवसर तो मिल गया प्रहार करने का, किंतु निरायुधम दृष्ट्वा न बबाध है, शत्रु के हाथ में अगर शास्त्र न हो तो प्रहार नहीं करना, धर्म शास्त्र कहता है। तो भगवान के हाथ में कोई आयुष नहीं है, हमको प्रहार नहीं करना है, धर्म का पालन करने लगा। देखने में तो धर्म का पालन करने लगा, लेकिन भगवान को चिढ़ाना चाहता था। ना बबाधे निरायुधम, मानव अनुसार मृधे धर्मम, दिखाते रहा था कि देखो हम धर्म युद्ध की मान्यता को स्वीकार करते हैं, किंतु वास्तव में क्या था, विश्वक सेवन प्रकोपयन, भगवान को क्रुद्ध बना रहा था। असुरों की भावनाएं उल्टी टेढ़ी सब होती ना, ठीक है, लब्ध तीर्थो लब्धा वसा रहा, अवसर मिल गया उसको, सच न बबाधे न प्राहरत, किंतु हिरणाक्ष ने भगवान पर प्रहार नहीं किया, क्यों, सा मानने मानयन बभूवे की वाक्य भेदात, क्योंकि धर्म युद्ध को मान्यता देने लग गया, वाक्य भेद करके साका दो बार सा आया तो दो वाक्य भेद होकर के अन्य हो जाएगा, तो दूसरा वाक्य बनाने की क्रिया के द्वारा वाक्य बनता है, तो बहु क्रिया का अध्यार कर लिया। श्रीधर स्वामी कहते हैं सा बभु हो प्रहार नहीं किए, सा इत्यस्या पौरुक्यम, इसलिए सा पद की पुनरुक्ति का कोई दोष नहीं है, क्योंकि सा पद का बभू क्रिया के साथ में अन्वय हो जाएगा, वाक्य शेष हो जाएगा, वाक्य भेद हो गए। फिर कहते गदायाम विद्यायाम हाहाकारे विनिर्गते, मानया मास तद धर्मम सुनाभम चास्मरद विभु, भगवान की क्या लीलाएं है देखिए, जब देखते हैं भगवान के, अरे हमारी गदा तो छूट गई और तीनों लोग हाहाकार मच गया, हाय ये क्या हुआ, हाय ये क्या हुआ, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तब भगवान ने विभु भगवान ने है ना तब धर्मम मानया मास, उसने भाई हिरणाक्ष ने धर्म युद्ध का पालन किया है, हमारे हाथ में शस्त्र न देख करके प्रहार नहीं किया, बड़ा अच्छा धर्म का पालन किया, यह माना, और उसी समय भगवान ने सुदर्शन चक्र का स्मरण कर लिया, ठीक है, नहीं सुदर्शन चक्र का स्मरण करते ही शस्त्र आ गया भगवान के पास, तम यज्ञ चक्रम दिति पुत्रा धमेनो सपार्षद मुखेन विसज्यमानम, चित्रावाचो तद्विदाम खेचराणाम तत्वास्माशन स्वस्थ विम यही थी। देखिए भगवान तो असल में लीला कर रहे हैं, भगवान ने जब सुदर्शन चक्र का स्मरण के एक क्षण आ गया, स्मरण करते ही तो देवताओं ने ब्रह्मादिकों ने सोचा कि आज इसका काम कर देंगे, किंतु भगवान फिर भी खेल करने में लगे हुए हैं, वही कह रहे तम यज्ञ चक्रम दिति पुत्रा धमेनो स्वपार्षद मुखेन विसज्यमानम, तम भगवंतम उन भगवान बारह को जिनके हाथ में चक्र घूम रहा है, यज्ञ चक्रम चक्र काट रहा, वे भगवान, और विशेषण है दिति पुत्रा धनेन स्वपार्षद मुखेन विसज्यमानम, देखने वाले देख रहे हैं कि भगवान हाथ में सुदर्शन चक्र लिए हुए हैं
और भगवान क्या कर रहे हैं, दिति पुत्र हिरण्याक्ष के साथ में जो अधम पुरुष है, किंतु भगवान का मुख्य पार्षद है, तो उसके साथ लीला करने में संसक्त हो गए। जरा और खेलते हैं थोड़ी देर इसके साथ में, ये देखा लोगों ने, देवादिकों ने। अब तो क्या हुआ, तीनों लोक में देवताओं ऋषियों के मुख से नाना प्रकार की बातें निकलने लगी। चित्रावाचो तद विदाम खे चराम, भगवान की महिमा को नहीं जानने वाले देवता अतद विदाम, जो नहीं जानते थे, खे चराम आकाशचारियाम तत्प्रासमासम, वहां पर प्रकट होने लगी। और उनमें से कोई लोग कहने लगे स्वस्थ तेमुं जहीति, हे भगवान आप इसको मार डालिए, कल्याण हो, संसार का कल्याण हो जाएगा, आप इसको मार डालिए, देरी न कीजिए, मार डालिए, देरी न कीजिए। ये कह रहे तरह तरह, कोई घबराहट की बात कर रहा है। ठीक है, व्यग्रम सा संभवम चक्रम यश, है ना, चक्कर काटता हुआ सोदर्शन चक्र जिन भगवान के हाथ में, किंतु विसज्यमानम विशेषण संगम प्राप्तवंतम प्रति, जो भगवान विशेष करके संग प्राप्त किए हुए हैं अपने पार्षद के साथ, अतद विदाम तद प्रभाव मजानताम, वे भगवत भगवान के प्रभाव को नहीं जानने वाले, आसमंतात आसनिष्म, उन लोगों के द्वारा चारों तरफ से कई तरह की बातें कही जाने लगी। सदम निशाम्यात्तरथांगमग्रत हो व्यवस्थितम पद्म पला समूचनम विलोकितामर्ष परिप्लुतेन्द्रियोरुहास स्वदंत छद्मादशच्छ्वसन। भगवान तो प्रहार अभी कर नहीं रहे, लोग घबरा रहे हैं देवगण, और उधर मैत्रेय जी कहते हैं कि उधर है नाक्ष ने जब देखा तम निशान्य आत्रथांगम, जिन भगवान ने अपने हाथ में रथ रथांग सुदर्शन चक्र ले रखा है, उनकी ओर देखा और अग्रतो व्यवस्थितम, भगवान व्यवस्थित रूप से डटे हुए हैं, पद पलाश अनुचरम, पद पलाश के समान नेत्र हैं भगवान के, तो देखा जब तो देख करके क्या हुआ, विलोकितामर्षपरिप्लुतेन्द्रियः, देख करके क्रोध से भर गया, क्रोधाविष्ट होने से सारी इंद्रियां उसकी आप्लुत हो गई। रुहासदंत छद्मा दशच्छ्वसन, और मारे रोष क्रोध के कारण अपने ओठों को दांतों से चबाने लगा, गरम गरम श्वास लेने लगा। सुदंत छदम आदशत छसन, दांतों को छाने वाले कौन होते, ओष्ठ, उनको दांतों से चबाया, क्रोधी व्यक्ति करता है ना ऐसे, और गरम गरम श्वास निकाल रहा था, माने क्रोध उसका बढ़ता जा रहा था। सा दैत्य समाप्त चक्रम निशाम, शरणाक्ष दैत्य ने भगवान को सुदर्शन चक्र लिए हुए देखा, और अग्रतो व्यवस्थितम के विलोक, और सामने व्यवस्थित भाव में खड़े हुए हैं, इसलिए अमर्षेण क्रोधेन परिप्लुतान क्षुभतान इंद्रियाणि यशसा, क्रोध के मारे जिसकी इंद्रियां परिप्लुत हो गई, माने क्रोध रोम रोम में छा गया। आदशत दस्तवान,
और मारे क्रोध के मारे दांतों से ओठों को चबाने लगा, गरम गरम श्वास निकालने लगा। काल दर्शक चक्षुर्धान संचक्षाणु धान्य अभिप्रुत स्वगदया हतोषी त्याहन धरि। इसके बाद क्या किया? कराल दाढ़ वाला है वहाँ, और चक्षुर्भ्याम संचक्षाण दहन्यु अपने दोनों नेत्रों से इस तरह से देख रहा था भगवान की ओर माने जला डालेगा। दहन्यु संचक्षाण और स्वगदया अभिप्लुत अपने हाथ में गदा लेकर के गड़ा बल जोर से और प्रहार करने के पहले हतो हसी त्याहनत धरिम अब तू मारा गया ऐसा चिल्ला करके गर्जना किया और प्रहार कर दिया। चिल्लाया भी प्रहार भी कर दिया। टीका चक्षु ध्यान दहन्यो संचक्षाण दोनों नेत्रों से माने जला रहा है ऐसे देख रहा था। एक वस्तुता क्रोधा भाव मां ये अर्थ ये शब्द क्यों कहा गया? सरस्वती देवी ही तो दूसरे तरह का अर्थ करते हैं ना, क्रोधा भाव मां क्रोध है नहीं लेकिन क्रोध क्रोधी सा इसलिए ये शब्द का प्रयोग। हतोषी ज्ञातोषी तो वास्तव अर्थ अब तुम मारा गया ये अर्थ नहीं है। हतोष माने ज्ञातोषी आज तुमको मैं जान गया हूँ, तुम तो परमेश्वर परमात्मा हो वास्तविक उसका अर्थ ही है। आप भगवान ने क्या किया? तदा सद्देव काम साधो भगवान यज्ञ कर लीलया निषद शत्रु प्राहरत बातरंग। भगवान ने अपने शब्द पैर के द्वारा हिराक्ष की गदा को बाहर कर दिया, फेंक दिया, झटक दिया। भगवान यज्ञ सूकरा है, यज्ञ मैं सूकर बने हुए भगवान ने अपने शब्द चरण के प्रहार से उसकी गदा को बाहर फेंक दिया। लीलया मिश्रा शत्रु प्राहरक प्राहरक बात रंगोसन। लीला में ही शत्रु को देखते देखते बात रंगसम गदाम प्राहरक वायु के वेग से आने वाली हिराक्ष की गदा को दूर फेंक दिया। बात रंगसम वायु वेगाम वायु के समान वेग से जो चली आ रही थी भगवान की ओर गदा तो उसको बाहर कर दिया। और तब और जब बाहर चली गई गिर पड़ी जा करके आह क्या युद्मा धत्सो घटस्व तम जिगी शशि इतुक्ता सा तदा भूय ताडयन बलगद। भगवान हिराक्ष से बोले कि देखो भाई अपना आयुध ले लो गदा और तुम फिर चेष्टा करो प्रहार करो। तुम जीगी शशि देखो तुम जीत लेना चाहते हो ना, तो जो जीत लेना चाहता बार बार उसको प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा कहा इतुक्ता सा तदा भूयस्ताडयन बलगद्भ्रम। इसके बाद फिर उसने पुनः जो है प्रहार करते हुए बड़ी जोर से गर्जना किया। टीका घटस्व उद्यमम कुरु उद्यम करो यतस्तम जेतु इच्छसि क्योंकि तुम जीत लेना चाहते हो इसलिए फिर से उठा लो गदा फिर करो प्रहार। और फिर उसने दोबारा जब प्रहार किया उठाया तो नहीं उसको लेकिन प्रहार किया तब भगवान ने क्या किया? ताम स आपत तीन वीक्षो भगवान समय समवस्थित
जग्राह लीलया प्राप्तम वरुप मानी पल्लवी। इस बार भगवान ने हेनाक्ष के द्वारा चलाई हुई गदा को समवस्थित होकर के संभल करके लीला लीला से ही पास में आने पर वो पकड़ लिया। लीलया प्राप्ताम लीलया जग्राह, पास में जैसे ही आई पकड़ लिया। दृष्टांत है गरुत मानी पन्नवीन, जैसे गरु जी सर्पिणी को पकड़ ले टांग ले, ऐसे ही पकड़ लिया। टीका नहीं है इसमें। स्वापौर से प्रतिहते हत मानो महासुरः, नैक्षत गदाम दीयमानाम हरिणा विगत प्रभा। अब पकड़ करके भगवान फिर देने लगे, ले ले जाओ फिर प्रहार करो। तो लज्जित हो गए, क्यों? स्वपौर से प्रतिहते, मेरा पुरुषार्थ जो है हार गया। प्रतिहत माना हार जाना। हत मानो महासुरः, एक प्रकार से महादैत्य मरा सा हो गया, हतमान हो गया। अहंकारी आदमी का जब अहंकार चूर हो जाता है तो अपने को मरा जैसा समझता। नैक्षत गदाम दीयमानाम हरिणा विगत प्रभा, भगवान के द्वारा दिए जाने पर भी गदा लेना नहीं चाहा। शत्रु के हाथ से हम लेंगे गदा? विगत प्रभा, उसकी प्रभा तो मिट चुकी थी। हतो मानो गर्भो यस्य, मान रूपी गर्भ जिसका नष्ट हो गया था, अब उसने क्या किया? अब अपना दूसरा शस्त्र निकाला। क्या निकाला? जग्राह कृषिकम फूलम ज्वल ज्वलमूलुपम, अब हेनाक्ष में तीर शिखा वाला फूल त्रिफूल, ज्वल ज्वलमूलुपम है ना, जलती हुई आग की ज्वाला की तरह से जो लपलपा रहा था, और निकाल करके यज्ञाय भूत रूपाय भित्राया भिचरण्य था। किस लिए? जो भगवान यज्ञ भगवान विष्णु हैं, जिन्होंने बारा का स्वरूप धारण कर रखा है, उन्हीं पर प्रहार करने के लिए उसने जलता हुआ त्रिशूल हाथ में ले लिया, पकड़ लिया। मैत्रेय जी कहते, लेकिन उसकी चेष्टा ऐसी ही है जैसे कोई मूर्ख किसी ब्राह्मण पर अभिचार का प्रयोग करना चाहे। विप्राय अभिचरण यथा, अभिचार करने वाला ब्राह्मण पर उसका प्रयोग करना चाहे, ऐसे ही वह त्रिशूल जो है भगवान पर चलाना चाहता है। ठीक है, जलन यो हो जलना, ज्वाला रूप में जलती हुई जो अग्नि, तद्वल लोलुपम गहन व्यग्रम, उस प्रकार से लोलुप लपलपाता हुआ निगलने को व्यग्र, यज्ञाय विष्णु आलक्ष्य, भगवान विष्णु को लक्षित करके संभाल लिया हाथ में। अकार्य करते दृष्टांत, यह तो इसका अकार्य है, क्यों दृष्टांत दे रहे हैं? विक्रम उद्देश्य अभिचारम कुर्वन यथा, ब्राह्मण को उद्देश्य करके जैसे कोई अभिचार करना चाहे। तदोजसा दैत्य महाभटार्पितम, चकाशदंत खऊदीधि चक्रेद निषात नेमिना हरिर्यथा सार्थ पतत समुद्धितम। किंतु दैत्य महाभट के द्वारा चलाया गया जो वह त्रिशूल बड़े ओज से, वह चलाए जाने पर आकाश में आया, प्रकाशित होता हुआ है ना,
अंतःखे चकाशक आकाश के भीतर चमकता हुआ चला, उदीर दीधि थी, उस त्रिशूल की किरणें चारों ओर फैल रही थी, इतना तेजोमय था वह। ऐसे उस चक्र को भगवान श्री हरि ने क्या किया, निषाद मेमिना चक्र के छेद पैदाए हुए मेमी वाले चक्र के द्वारा काट के टुकड़े टुकड़े कर दिया। दृष्टांत दे रहे हैं, यथा तार्क्ष तत्त प्रमुद्धितम, अमृत घट स्वर्ग से लाते हुए लाते समय देवताओं से युद्ध हुआ, गरुड़ जी का इंद्र भी आ गए वज्र लेकर के, तो वज्र चलाया जब इंद्र ने, तो वज्र की वज्र का आदर करने के लिए गरुड़ भगवान ने अपना एक पंख गिरा दिया, भाई इसकी सार्थकता हो जाएगी। तो गरुड़ जी के द्वारा गिराए गए पंख को उस वज्र ने काट कूट डाला। वही कहते हैं यथा तार्क्ष पतत्रम उद्धितम, उद्धितम माने त्यक्तम, गरुड़ ने स्वयं छोड़ा था। तार्क्ष पतत्रम है ना, गरुड़ जी के पंख को, स्वयं छोड़े हुए पंख को जैसे इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा टुकड़े कर दिया, वैसे ही भगवान श्री हरि ने चक्र के द्वारा उस त्रिशूल के टुकड़े कर दिए। टीका, अंतः खे आकाश मध्य, अंतः माने मध्य, खे माने आकाश, चकाशत प्रकाश मानम, वह प्रकाशित होता हुआ चला रहा था त्रिशूल। उदीरोत्पटा दीधितिर दीप्तिर्यस्य, जिस त्रिशूल की दीप्ति चारों ओर छिटक रही थी, उसको जिसात मेमिना सित धारेण पैनाई हुई धार वाले चक्र के द्वारा भगवान ने काट डाला। हरि ही इंद्रो यथा तार्क्षस्य पतत्वम उद्धितम के छेद, इंद्र ने जैसे गौ भगवान के द्वारा छोड़े गए पंख को काट डाला था, वैसे ही भगवान श्री हरि ने चक्र के द्वारा त्रिशूल को खंड खंड कर दिया। कहते हैं कि इंद्र ने ऐसा कब किया था, तो कथा बता रहे हैं। देवान विनिर्जित अमृत कलशम नयता, देवताओं की सेना को पराजित करके गरुड़ जी अमृत कलश लेकर के चले आ रहे थे, है ना। नयता इंद्र प्रयुक्त वज्रस्य अमोघस्य मानम दातुम, इंद्र ने वज्र चलाया तो गरुड़ भगवान विचार करने लगे कि भाई वज्र तो अमोघ है, इसका सम्मान करना चाहिए, भगवान की शक्ति है ना वज्र, तो उसने सम्मान देने के लिए अपना एक पंख गिरा दिया, चलो इसी को काट डालेगा, ये सार्थक हो जाएगा। पिछनेकम त्यक्तम तदेन्द्रस्य छेद, इंद्र ने उसको काट डाला पंख को, छिन्नम तद्यथा थे प्रकाशे तद्वत प्रकाशमान मित्यभिप्राय, इसी प्रकार से आकाश में प्रकाशमान त्रिशूल को भगवान ने चक्र के द्वारा खंड खंड कर दिया। ब्रचले बहुधारिणा हरे प्रत्येक विस्तीर्ण मुरु विभूति मत अबद्धरोष सकठोर मुष्टिना नदन प्रहत्यांतरधीयता सुरः। पुनः मैत्रेय जी आगे कहते हैं कि जब उस असुर ने देखा कि अरे भगवान श्री हरि के चक्र से हमारा शूल तो कट फूट गया, बहुधा ब्रकले, ये देव टुकड़ा नहीं सैकड़ों हजारों टुकड़ों में खंड खंड हो गया, प्रत्येक विस्तीर्ण मुरो विभूति मत,
तब क्या हुआ कि उसको बड़ा जोर का गुस्सा आया और वह दौड़ करके भगवान के पास आ गए, दौड़ कर। अब प्रबल भरोसा, रोष तो बड़ा भारी था ही, उसने क्या किया कि सा कठोर मुष्टिना अपनी कठोर मुट्ठियों के द्वारा गर्जना करते हुए भगवान के ऊपर मुट्ठियों का प्रहार किया। पूरा विस्तीर्ण मुरा भगवान की लंबी चौड़ी जो छाती थी उस पर जो है सैकड़ों मुष्टिकों का प्रहार किया। वो नगन प्रत्यांतर धीरकाश हो रहा और 10-20-50 मुक्के मारे जोर जोर से बजे के समय और छिप गया। टीका आराह संत्यस्य इति आरि चक्रम, आरि माने चक्र, क्यों आरो कई आरो वाला होता है। तेन बहुधा ब्रकले छिन्ने सति, भगवान के उसी चक्र के द्वारा अपने त्रिशूल के बहुत खंड खंड हो जाने पर प्रत्येक अभिमुख मागत्य भगवान के साक्षात सामने आ गया और हरे गुरु बक्षा प्रहत्य भगवान के बक्षा स्थल पर मुष्टिकाओं से प्रहार, कई प्रहार करके और गर्जना करके छिप गए। तीन काम किया, प्रहार किया, गर्जना किया और अंतर्धान हो गए। तेरे समाहत छत्तर भगवान आदि सुकर ना कंपट मना क्वापि सृजाहत इवद्दीप। मैत्रेय भगवान कहते हैं कि विदुर जी, इत्थम तेन आहतः, इस प्रकार हिमाक्ष के द्वारा मुष्टिका प्रहार से आहत होने पर भी आज सुकर भगवान न अकंपत मनागत, थोड़ा सा भी भगवान को कुछ मालूम नहीं पड़ा, मनागत न अकंपत कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। सजाहत इवद्दीपा, जैसे कोई फूलों की माला से किसी हाथी पर प्रहार करे तो फूलों की माला का प्रहार क्या हाथी को मालूम पड़ेगा, वैसे ही हिमाक्ष की मुष्टिकाओं का प्रहार भगवान को कुछ भी कंपित नहीं कर पाया। मना भी सदति टीका में कहते हैं कुछ भी से किसी अंश में कुछ भी उनको पीड़ा नहीं हुई। अथोर भाषन मायाम योग माये हरे हरऊ याम दिलोक प्रयास्ता नीले अशोक संयम। जब उसके हस्त स्वस्थ व्यर्थ चले गए तब उसने आंख करके दूसरा उपद्रव शुरू किया। ऊर्धा मायाम अश्वजन, उसने विभिन्न प्रकार की माया की रचना कर डाली। अश्वजत है व्यस्त होकर के पद्म योग, किसने किसके पद योग माये हरे हरऊ, जो भगवान योग माया के नियामक ईश्वर साक्षात विष्णु हरि है उनमें अपने तुच्छ माया का प्रयोग करने लगा। किंतु उसकी माया के प्रयोग को देख करके प्रजा तो संसार की घबरा ही गई। याम दिलोक प्रयास सस्ता मेरे अस्योप संयम, हिमाक्ष ने ऐसी माया फैलाई जिसको देख करके सारी प्रजा संसार की घबरा गई और अशोक संयमन में मेरे अपने संसार का प्रलय होने जा रहा है यह मान लिया। अश्व जगता हो संयमन प्रलयम, टीका में कुछ नहीं। अब माया का चमत्कार बता रहे हैं क्या क्या हुआ माया में।
आसुरी माया के द्वारा देखिए प्रलवायश्चंडा तम पांस मयन दिग्भूमि पेतुर्ग्रावाण क्षेत्र प्रहिता एव। श्री मैत्रेय भगवान कहते हैं कि चंडा वायव प्रबहु बड़ी भयंकर तूफानी हवाएं चलने लगी बहने लगी। उससे दो प्रकार की बात हुई, पांसवम तमस्य चारों धूल भर गई अंधेरा छा गया। एक विभूमितेतुर ग्रावाण चारों दिशाओं से पत्थरों की वर्षा होने लगी और ये पत्थरों की वर्षा कैसी क्षेत्रीय प्रहिता वो जैसे किसी यंत्र में डाल करके फेंके जा रहे हो ऐसा ही। पान सुकृतम तमस्य प्रेतवंत क्षेत्र यंत्र धूली कृत अंधकार छा गया और क्षेत्र कहते यंत्र को, यंत्र में पत्थर दूर फेंक दिया जाता है। जय नक्ष भगणाभ्यंघई सदितनि वर्षद रीपे सा स्थिर चा शत्र। कहते हैं कि आकाश दीनो नष्ट हो गए हैं, प्रकाश करने वाले गण सूर्य चंद्रादि छिप गए हैं। क्यों? अभ्यंघई बादलों के समुदाय से चारों ओर अंधेरा छा गया। और वे बादल कैसे बिजली से युक्त और गर्जना से युक्त थे। वर्षा भी पूरे के साथ उन बादलों से जल की वर्षा नहीं हो रही थी। पीप केश रक्त अशक मने रक्त विमूत्र मलमूत्र हड्डियां ये लगातार जो है बरस रही थी। हाल नष्टो भगणो नक्षत्र समूहो यश्याम दिलोक में नक्षत्र समुदाय नष्ट हो गया छिप गया। मतलब अनेन दैत्य बलाचरेकात ब्रह्म दत्त मुहूर्तात् क्रमो गम्यते। इस कथन से लगता है कि दैत्य बल का अतिरेक हो गया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो मुहूर्त बताया था कि थोड़ा सा रह गया है, अब तो ये बहुत, क्योंकि नक्षत्र सूर्य चंद्रमा आदि तो ये रात में ही होते हैं। अन्य नक्षत्राणाम असंभवा दिन में तो नक्षत्र रहते नहीं, इसलिए मुहूर्त का अतिक्रम भी हो गया। और देखिए माया की लीला, गिरया तक दृश्यंतो नाना युद्ध मुचो न भव दिग्ला ससो याद धान्य फूलिंगे उक्त मूर्धजा। चारों ओर पर्वत नाना प्रकार के आयुध की वर्षा करते हुए दिखाई देने लगे। गोलों की वर्षा हो रही है, गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं। और दिग्बाससो याचुधानिया लग्न हो करके फूल लिए हुए बालों को खोले हुए चारों ओर फिर रहे हैं। नाना युधान मुंचंती तथा याचुधान्यश्च प्रत्यदृश्यन्त। नाना आयुध वर्षा करने वाले पर्वत दौड़ दौड़ करके कर रहे हैं और यातधानियां दिखाई दे रही है युद्ध भूमि में। बहु लक्ष रक्षो भी पच्चरही आज ताई भीषा हिंसा बाचोति बैंसा। और क्या दिखाई दे रहा है? बहुत से लक्ष राक्षस पैदल घोसवार रथी कुंजर हाथियों में बैठे हुए आतताई धीरुप सृष्टा जो बड़े आतताई हैं, वे क्या कह रहे हैं? हिंसा बाचोति बैसा, है ना, कठोर
शेषव वाणी अत्यंत अति वैशस माने है ना क्रूर भयंकर वाणियों का प्रयोग कर रहे हैं। टीका हिंसा छिन्न भिन्न एवं भूता छेद डालो मार डालो काट डालो ये वाणी अति वैशसा अत्युग्रा गर्जना करते हैं वाचा उत्सृष्टा इत्यत्रयी वाक्य समाप्ति अत्यंत उग्र वाणी निकल रही थी उनके मुखों से काट डालो मार डालो प्रादुष्कृतानां मायानां आसुरीणां विनाशयत् सुदर्शनाश्रम भगवान पायंत दयितं कृपात् किंतु मैत्रेय जी कहते हैं कि श्री भगवान ने अपने सुदर्शनास्त्र का प्रयोग कर दिया, आज्ञा दे दिया। सुदर्शनास्त्र में आकर के तुरंत एक क्षण में जो माया उत्पन्न हुई थी आसुरी उसका सत्ता विनाश कर डाला है ना। त्रिपाद भगवान का नाम समझे चाहे विशेषण समझे त्रिपाद है ना, क्योंकि बारह भगवान को भी तीन सवन वाला कहा गया है प्रातः मध्यान्ह सायं सवन, इसलिए त्रिपाद। तुम भगवान ने अपने प्रिय शस्त्र को आज्ञा दी, उसने आसुरी माया का विनाश कर डाला। प्रादुष्कृतानामिति प्रकटिता माया विनाशयत्, जो असुरों के द्वारा प्रकट की गई थी माया उसका विनाश कर डाला, विनष्ट हो गई। अगर विनाशनम पाठांतर माना जाए है ना, पाठे यथा सुदई षष्ठी तो षष्ठी का प्रयोग उचित है, और नहीं तो क्या करना पड़ेगा, षष्ठंत को कर्म में षष्ठी माननी पड़ेगी, कर्मण षष्ठी। और यदि विनाशनम पाठ मानते हैं विनाशेत की जगह तो षष्ठी उचित है। तीन सवनानि पादा यस्य, जिन भगवान के तीन पाद क्या है, तीन सवन अर्थात यज्ञ मूर्ति, इत्यर्थ यज्ञ मूर्ति भगवान। तो अस्य पादा इति श्रुते है, यज्ञ मूर्ति भगवान के तीन पाद कहने वाली श्रुति है, यज्ञ मूर्ति भगवान के तीन पाद हैं, प्रातः सवन मध्यान्ह सवन सायं सवन। तदा संभव सहसा हृदय पथु स्मरंत्या भर्तुरादेशम स्तनाच्चाश्रुवे, असल में भगवान की लीला का रहस्य यह है कि वे अपने पार्षद को पूरा मौका दे रहे हैं कि जो जो चाहो सो करो, अंत में तो मरना ही है। वही कह रहे हैं कि इसके बाद द्वितीय संभवत सहसा हृदय पथु, द्वितीय माता के हृदय में कंपन हो गया एकाएक, उनको अपने स्वामी कश्यप जी की बात याद आ गई कि हमारे पुत्रों को भगवान के द्वारा वध होगा, वे लोगों को पीड़ा पहुंचावेंगे, इस तरह चाशक प्रसुस्त हुए, उनके स्तरों से भय के मारे रक्त बहने लगा। भारतरादेशम तत्पुत्र भगवान हनिष्यति इत्येवं भूतम्, अपने स्वामी की आज्ञा तुम्हारे पुत्रों को भगवान वध करेंगे याद आ गई माता द्वितीय को, इसलिए भयभीत हो गई, हृदय कांपने लगा, रक्त निकल पड़ा। दुरस्ता सुसमाया सुभूयश्चाद्र केशव रुषोपगूह मानो मुम गदुषे अवस्थितं बहिहि। अब हिनाक्ष अंतिम प्रयास करने जा रहा है, देखा कि अरे
हमारी माया तो नष्ट हो गई, तब फिर दौड़ करके भगवान के पास आया। भूयश्चा ब्रज केशवम, और मारे क्रोध में भर करके क्या किया, दोनों भुजाओं से भगवान को आलिंगन कर लिया, उपगूहन कर लिया, तीस डालूंगा, भुजाओं से दबा करके शक्ति के बल पर तीस दूंगा। किंतु ऐसा किया तो और देखता क्या है कि भगवान तो बाहर खड़े हैं, भुजाओं में तो भरा स्पर्श मालूम था, भगवान तो बाहर खड़े हैं। हाँ, उसको पता चला। तम मुष्टिभिर विनिघ्नंतम भज्य सारय अभेक्षजः, तो बाहर खड़े तो फिर उधर झटका और फिर मुष्टियों से मारने लगा, भज्य सार मुष्टियों के द्वारा। तब भगवान ने क्या किया, करेण कर्ण मूले अन्यथा त्वास्तम मरुत्पति, भगवान ने एक तमाचा मारा उसके कान के मूल में, यहाँ पर जैसे मरुत्पति इंद्र ने वृत्रासुर को मार डाला था, ऐसे ही भगवान ने, है ना, टीका उपगूह मानो बाहो अंतर निधाय संघटन, भुजाओं में भर करके मर्दन करने लगा। भगवान बाहर खड़े हो गए, जब देखा कि बाहर खड़े हैं तो फिर मुक्तों से मारने लगा। तब भगवान ने एक तमाचा लगाया उसके, जघान त्वास्तम व्रतम मरुपति इंद्र है, सा आहतो विश्वजिता ह्यवज्ञा परिभ्रमत गात्र उदस्त लोचना, ऋषि बाहुअंग ऋषि पतव्यथा नगेन्द्रो निमितो नभस्वता। मैं फिर भी कहते हैं कि विश्व को जीतने वाले भगवान के द्वारा जब अवज्ञा अवज्ञा से लीला से खेल खेल में एक तमाचा मार दिया था, उसी से आहत होकर के शरीर कांपने लगा उसका, उदस्त लोचन नेत्र बाहर निकल कर बेसुर बाहुअंग शरीर हो पतत, उसके बाहु भुजाए उखड़ गिर पड़े, पांव उखड़ गए, केश इधर उधर हो गए और जमीन पर स्वयं गिर पड़ा। अतः ये था नगेन्द्र नीतो न भास्वता, जैसे कोई नगेन्द्र माने वृक्ष राज, है ना, उन्मूलित हो जाए वायु के जरा उखाड़ करके, कोई वृक्ष जैसे पटक दिया जाए, ऐसे वह नीचे गिर पड़ा। अब पड़ पड़ गया जब टीका में परितो भ्रमत गात्रम, 26वें की टीका, परितो भ्रमत गात्रम शरीरम यस्य, उसका सारा शरीर चारों ओर घूमने लगा, उदस्ते बहिर निर्गते नीचने यस्य, दोनों नेत्र बाहर निकल पड़े, विशीर्णा बाहवा दयस्य, हाथ पैर सब विशीर्ण हो गए, उखड़ पुखड़ गए, नगेन्द्र माने महादुम बड़े भारी बरगद वृक्ष की तरह से लीलिता उन्मूलिता गिरे हुए, उन्मूलित वृक्ष की तरह वह गिर पड़ा, जैसे नभस्वता वायुना वायु के वेग से वृक्ष उखड़ करके गिर पड़ता है, ऐसे वह जमीन पर पड़ गया। शीतम तमकुंठ दर्चसम कराल दर्शम परिदस्त दक्षदम अजादयो वीक्ष ससं सुरागता अहो इमाम को निलभेद संस्थितिम। यह हो जाने के बाद उसको पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखा देवताओं ने, ब्रह्मादिकों ने, क्या देखते हैं कि उसका तेज कुंठित नहीं हुआ, अकुंठ वर्चसम, और उसकी दाहें उसी प्रकार कराल कराल बनी हुई है, और जैसे पहले क्रोध के मारे है दांतों से ओस चबा रहा था, वैसे ही चबाए हुए है ज्यों का त्यों।
इस तरह से जब देखा ब्रह्मादिकों ने तो भगवान तो उसकी प्रशंसा करने लगे, आगता आजादय है ना, एवं रूपम तम देख उसकी बड़ी प्रशंसा करने लगे। अहो इमाम को लभे प्रशंसति, अरे भला ऐसी मृत्यु कौन प्राप्त कर सकता है। श्री भगवान के हाथ की मृत्यु का तो कहने क्या है, आगे उसी को कहते यम योगिनो योग समाधि ना रहो ध्यायन्ति लिंगा दशतो मुमुक्षया तस्यैष दैत्य ऋषभः पदाहतो मुखं प्रपश्यंस्तनुमुत्ससर्जः। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे कि अरे देखो इस भाग्यशाली दैत्य को, जिन भगवान को योग समाधि के द्वारा योगी लोग ध्यान करते रहते, किस लिए करते हैं, आसता लिंगात मुमुक्षया, इस झूठे लिंग शरीर से, जो आत्मा है नहीं, यही तो आत्मा को बहकाए हुए है, आसत जो लिंग शरीर है झूठा मिथ्या, उससे मुक्ति पाने के लिए योग समाधि के द्वारा योगी लोग जिन भगवान का एकांत में ध्यान करते हैं बर्फे, तब जाकर के उनको वह फल प्राप्त होता है। तस्यैष दैत्यरसना पदाहतो मुखम, उन्हीं भगवान के चरण के द्वारा यह दैत्य श्रेष्ठ मारा गया, पैर के द्वारा बद हुआ इसका, और जिस समय यहाँ भगवान के द्वारा मारा गया है मुखम प्रपश्यंस्तनुमुत्स सर्जः, तो भगवान के मंगलमय मुखारविंद का दर्शन करते करते प्राण छोड़ा इसने। मुखम प्रपश्यंस्तनुमुत्स सर्जः, भगवान के मुखारविंद का दर्शन करते करते मुख शरीर छोड़ा। जिन भगवान का ध्यान योगी लोग लिंग देह से छुटकारा पाने के लिए बरसों योग में साधना करते रहते हैं एकांत में, उन भगवान का दर्शन करते करते इसमें शरीर छोड़ा है, क्या कहना है। असतः आरोपिता लिंगा लिंग शरीरान मुक्ति इच्छया, असत जो आरोपित तो है ना लिंग शरीर है, वस्तुतः थोड़ा ही है, लिंग शरीरान मुक्ति मुक्ति इच्छया, इससे मुक्ति पाने के लिए साधना के द्वारा भगवान का ध्यान करते हैं, उन्हें भगवान का मुख दर्शन करते हुए प्राण छोड़ा। बड़ा हस्य पूर्व पादयोरे करत्वात, तो कहते हैं कि वहाँ तो करक प्रहार कहा गया है, तमाचा मारा, यहाँ तो पदाहत है, ये तो उत्तर देते हैं श्रीधर स्वामी, कहते हैं कि देखो भगवान बारह के रूप में है, बारह भगवान के आगे के दोनों पैर ही उनके हाथ हैं, और क्या हाथ, बराह से पूर्व पादयोरो करत्वात, इसलिए करेण अहन्निति, उसी को कर से अहन करना समझना चाहिए, पीछे जो कहा गया। अब पदाहत इति च अभिरुद्धम, यहाँ पदाहत कहा गया तो दोनों में कोई विरोध ही नहीं, भगवान के वही चरण है वही हाथ है। अच्छा एक और अट्ठाईस, अच्छा मूल मूल कर देते हैं, अट्ठाईस तीस तक हो जाएगा। एक तौ पार्थदानस्य सापाद्याता वसद गतिम, मैत्रेय जी
ऐसी भाग्यशाली मृत्यु इसको क्यों मिली, इसका रहस्य बता दे। कहते कि अरे विदुर जी, तुम भूल गए क्या, ये दोनों भगवान के पार्षद ही हैं। शलकादिकों के साथ से असत गति को प्राप्त हुए हैं और फिर पुनः कथपय स्थानम प्राप्त थे प्रपत्ते इस जन्म भी है ना। थोड़े जन्म के बाद तीन जन्म का साथ है, फिर वही भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से सदगति मिल गई। चलिए ही रहने देते हैं, कल फिर आगे पूरा।